यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत यूनिट की बात करते हैं, मेरी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फेवरेट, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर की बात करें तो आपको ट्रांसपोजॉन नहीं छोड़ना, सी वैल्यू पैराडॉक्स पता ही पता होना चाहिए। ट्रांसपोजॉन मैं कहूँगी 100% मत छोड़िए, क्योंकि फंसने का चांस है उधर पे, ठीक है। और पी एलिमेंट्स हो गए, बहुत सारा कन्फ्यूजन माइक्रो मिनी सेटेलाइट्स के बीच में होता है, जो मैं बोल रही हूँ आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब रेप्लिकेशन पे आते हैं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ओरिजिन में जो डिफरेंसेस हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, वो चीज़ पढ़ी जाएगी। अब अगर आप रेप्लिकेशन पढ़ ही रहे हो तो कोशिश करो पीसीआर को इसके साथ ही निपटा दो, क्योंकि बेसिकली हम मशीन में रेप्लिकेशन करा रहे हैं और इधर आपकी सेल में रेप्लिकेशन हो रहा है। फिर आते हैं रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, और रिकॉम्बिनेशन रिपेयर क्या, आई होप आपके पास छोटे छोटे चार्ट्स होंगे, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर पढ़ के जाना है, लाइक कहाँ पे निक क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे डबल स्ट्रैंड रिपेयर हो रहा है, डबल स्ट्रैंड रिपेयर हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में आई थिंक इतना कुछ, बहुत सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती, जो मोटिव्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स एक बार देखेंगे आप, प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप जितना एम्फेसाइज करो कम है, चाहे एमआरएनए की हो, आरआरएनए, टीआरएनए, लाइक एमआरएनए आरआरएनए इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि लोग टीआरएनए पे आ गए हैं अब, तो मोस्टली टीआरएनए भी पूछ लिया जाता है। फिर डिग्रेडेशन की बात करते हैं एमआरएनए की, तो सर्विलांस हो गया, ठीक है, डिग्रेडेशन पे ही रहते हैं आप, आरएनए आई देख सकते हो, लाइक आरएनए इंटरफेरेंस देख सकते, तो अगर आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो तो क्रिस्पर कैस पढ़ लो, कुछ ऐसा ही है। अगर आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो कैस वही काम कर रहा है जो हमारे अंदर जो इंटरफेरिंग आरएनएस कर रहे हैं। उसके बाद ओपेरॉन, ओपेरॉन नहीं छोड़ना है, लैक ओपेरॉन और ट्रिप ओपेरॉन पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एज सिंपल एज कौन सा इंड्यूसिबल है, कौन सा रिप्रेसिबल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, और आई एम श्योर कि उसमें भी फंसेंगे बच्चे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करके जाते। उसके बाद लैम्डा फाज में सी आई या सी वन जीन, जो भी आप बोलते हो, क्रो जीन और सी वन जीन का जो फंक्शन होता है, पूरा एक बार फाज का स्केड्यूल देखेंगे आप, अर्ली जीन्स, इमीडिएट अर्ली और लेट जीन्स क्यों है वो वहाँ पे, मतलब बेसिकली आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप जोड़ो इसको, अपने सारे नोट्स को पकड़ो पहले। उसके बाद आता है नॉट लाइक जेनेटिक कोड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ट्रांसलेशन में फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो ही पार्ट बचा है लाइक अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होने को, तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ म्यूटेशन, म्यूटेशन से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि म्यूटेशन से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड थोड़े एक्सपेरिमेंटल भी बन सकते हैं। लुरिया डेलबर्ग का एक्सपेरिमेंट हो गया, जितने भी म्यूटेशन खोजी थी, म्यूटाजेंस होते हैं, टेराटोजेंस होते हैं, एक नज़र उन पर माननी ही माननी है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, साइलेंट होगी, पॉइंट होगी, फ्रेम शिफ्ट होगी, न्यूट्रल म्यूटेशंस होगी, सारी म्यूटेशन एक बार नज़र मारनी है। तो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बना, ओपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट बना, और जो मैंने बोले एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।